दोस्तों मेरा नमस्कार। डीटीएस एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में वायरलेस स्पीकर हैं जो ये ब्लूटूथ से मोबाइल से कांटेक्ट हो जाता है। ये ख़राब हो गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और पहली बार आप अगर मेरा चैनल देख रहे हो तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक करें। ये जाली लगी हुई है जो जाली बाहर निकाल देते हैं, दोनों साइड ये जाली है। ये मोबाइल के चार्जर से ही चार्जिंग हो जाता है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, इनबिल्ट है। ये थोड़ा आवाज़ क्वालिटी है ना, वो बेस्ट है। अच्छी क्वालिटी है कुल मिला के। इसमें यूएसबी सेट भी हो जाता है। एक बार ये स्क्रू खोल के चेक कर लेते हैं। खोलने का पूरा ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं स्क्रू दिखे नहीं दे और तोड़ फोड़ कर ले। ये इसके अंदर ये विशेष करके ध्यान रखें कि कहीं से खुलता ज़रूर है, ऐसा नहीं हो कि कहीं से खुलता नहीं है। ये दिखाई नहीं देता, कहीं स्क्रू नट कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आप जैसे तैसे करके खोलने का प्रयास करते हो तो तोड़ फोड़ हो जाती है। इस पार्ट का पूरा ध्यान रखें आप। ये स्पीकर है, दो स्पीकर है, सेंटर में ब्लू कलर में बैटरी लगी हुई है, मेमोरी कार्ड है। इसका चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो गया है, जो चार्जिंग करने का सॉकेट है वो अब नया लगाएंगे। इसमें चार्जिंग सॉकेट में अलग अलग सॉकेट भी मिलते हैं, ये दो पॉइंट वाला है, आपको दो पॉइंट ही इसमें यूज करने हैं। नेगेटिव वो पॉजिटिव सप्लाई लेनी है ताकि चार्जिंग हो जाए, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। ये बैटरी लगी हुई है ब्लू कलर में। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। आज हम ये वायरलेस स्पीकर देख रहे हैं जो ब्लूटूथ से मोबाइल से कांटेक्ट होता है। ये अंदर की पीसीबी है, इस टाइप का ये पूरा सेट है, मैंने सॉकेट लगा दिया है। सॉकेट लगाने के बाद में अच्छी तरह से सोल्डर भी कर लेना है। इसके अंदर बहुत बारीक पॉइंट होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये वायर मैंने ग्राउंड में लगाया है, वो साइड में प्लस सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है जो सीधा मैंने ग्राउंड कर लिया है। इसमें सोल्डर ज़्यादा लगाया है ताकि बॉडी को निकले नहीं। ये देखो सप्लाई आ गई है इसके अंदर। ये नहीं, अपना सॉकेट कंप्लीट है, सॉकेट लगाओ इसकी साइज का नहीं, ये इस बात का ध्यान रखे। ये मोबाइल की शॉप पे मिल जाता है। ये इसका सॉकेट का माप भी ऐसा ही है कि वहाँ पे सेटिंग हो जाएगा। ये पिंटे टूटी हुई तो उसको बारीक आयरन से आप सेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल काम है। लेकिन आप भी इस चीज़ को करते हो अगर चार्जिंग सॉकेट ख़राब है, या फिर वायर भी निकाल सकते हो, इसमें कोई वो है नहीं है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के अगर सॉकेट नहीं लग रहा है तो आप उसमें ऐसे वायर निकाल दो, या फिर चार्जिंग सॉकेट अलग जो तार पर लगा होता है वो लगा के भी आप लगा सकते हो, उसको भी कम में ले सकते हो। ऑप्शन बहुत हैं, आप जिस तरह से आप लगाना चाहो। अगर मान लो सॉकेट इसके पीसीबी के अंदर लगने जैसा सोल्डर होने जैसा कोई जगह रही नहीं है, क्यों पिंटे निकल जाती है तो उसकी जगह लगता नहीं है, तो उसकी जगह आप
वायर निकाल सकते हो, जब भी चार्जिंग करो तो वायर यूज करके भी लगा सकते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा पिन लगा सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपका कौन सा सूटेबल है उसके हिसाब से। मैंने ये एसी का जो कंपनी द्वारा जो बनाया हुआ सेम डेटा उसको यूज़ किया, उसी के हिसाब से मैंने लगाया है। कनेक्शन का एक ध्यान रखना है, उल्टा नहीं लगा है, बस सॉकेट में तो लगेगा नहीं वो आपका उल्टा, क्योंकि वही कनेक्शन आएगा। अगर वायर लगा रहे हो तो आप उल्टा का नहीं, इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका वायर सप्लाई है वो उल्टी हो जाएगी। अगर वायर लगा रहे हो तो सॉकेट में सीधे कनेक्शन होते हैं, कोई उल्टा होने का कोई चांसेज नहीं है। वापिस इसको फिट करते टाइम पूरा ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि फिर वो बॉडी के अंदर सही फिट नहीं होगा। ये वायर की जो भी जटिलता है उसको सही तरीके से आप मेंटेन करें। इसको सही सेट करने में जल्दबाजी नहीं करें, आराम से आप सही तरीके से इसको फिट कर लें, आराम से इसको फिट कर लें, सही एकदम सही फिटिंग आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, स्पीकर को नहीं, ये जो निकल रहे हैं उसको सही तरीके से एक बार, ताकि पीछे से जो पैकिंग लगा हुआ है इसके लिए, एक बार लगाने के समय थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं स्पीकर को चिपका देता हूँ ताकि निकले नहीं बार बार। आपके पास में अगर कुछ चिपकाने का हो तो उसे चिपका सकते हो। ये ट्यूब भी फूट गई ज़्यादा दबाई तो, साइड से निकल गया। कुल मिला के ये सही तरीके से फिट करना आपको ज़रूरी है, नहीं तो या तो जो स्विच हो गए वो काम नहीं करेंगे, या फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी। सभी बातों का ध्यान रखें इस चीज़ का। पीछे देखो सॉकेट सही तरीके से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, यूएसबी लगाने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। सही तरीके से फिट करना ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करें, ज़्यादा कोई प्रेस नहीं करें, नहीं टूट फूट जाएगा, प्लास्टिक का बना होता है, कस्टमर सिलाएगा। मेरा यहाँ रिपेयरिंग में आया हुआ है, मेरा खुद का नहीं है, मेरी दुकान है, दुकान के ऊपर ये रिपेयरिंग में आया है, उसको रिपेयर किया है। ये हम लोग बहुत कम करते हैं, हम लोग टेलीविज़न का है, पंखे का है, ये सब ज़्यादा करते हैं जो बड़ी आइटम है। ये छोटी चीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम रहती है, बारीक काम भी होता है। लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसे सेट भी हम लोग रिपेयर करते रहते हैं। आप भी अपने घर पे ये सॉकेट डाल सकते हैं, अगर आपके पास में आयरन है, ये सॉकेट निकालने का कोई आपके पास ऑर्गन है तो भी निकाल के आप दूसरा लगा सकते हो। ये आप बहुत सारे में तो कस्टमर निकाल के लेके आ जाता है कि वो सब तोड़ फोड़ करके लेके आएगा, सिर्फ आपको तो लगाना रहेगा बाकी। लेकिन कई जगह बॉडी क्रैक हो जाती है, कई बार पिंटे निकल जाती है, तो वहाँ पे लगाने के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन वाकई ये सेट की जो साउंड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, आपने सुना भी होगा, आपके पास में भी हो सकता है, क्वालिटी में बेस्ट है, ये अच्छी क्वालिटी का है। आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, जिस पर का ध्यान रखें, ताकि आपको और कमेंट भी करते रहें, बहुत सारे यूज़र्स कमेंट करते रहते हैं, मेरे से होता है, उसी प्रकार से मैं उसकी रिपेयरिंग करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भी किस तरह से रिपेयर किया जाता है। आराम से इसको प्रेस करें, क्योंकि ये जाली है, जाली नॉर्मली है, ऐसी कोई चालू वो कर दिया मैंने सेट,
ब्लैंकिंग हो रही है। ये यूएसबी पिन भी लगती है, ये वायरलेस सेट भी है, ब्लूटूथ काम करेगा आपका मोबाइल का, बहुत सारी सुविधा है इसके अंदर, मेमोरी कार्ड लगता है, एक्स्ट्रा इनपुट भी आप इसमें दे सकते हो, इसमें लगी हुई है, इसमें ये देखो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई लगती है, ये सब बैटरी की है, 1200 mAh की बैटरी है जो अच्छी क्वालिटी में वो लंबी टाइम से ये चलता रहता है, और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी है। इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, वो घंटी पे क्लिक ज़रूर करें। खूब खूब आपका।